हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में। वैसे मैंने ये वीडियो 16 तारीख को अपलोड कर दी थी। मैंने आपको इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल बताया था, यानी मेक और ब्रेक लेवल। ये वाला इसका मेक और ब्रेक लेवल था 2080 रुपये। अगर ये 2080 रुपये के ऊपर चलता, ठीक है, इसमें अच्छी खासी मोमेंटम आ सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, अपने पुराने वाले रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया, स्टॉक यहीं से नीचे गिरने लग गए। ये वाली कैंडल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी। ये वाली जब इसका प्राइस 2050 रुपये पे था, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। आप इसमें इंट्राडे वगैरह आराम से कर सकते, इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता था। लेकिन आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हमें डिलीवरी करनी पड़ती है, हम उसमें बाय कर सकते। आप इसमें फ्यूचर वगैरह इसका सेल कर सकते। मैंने ये भी बताया था कि इसमें आप कन्फर्मेशन के साथ आप इसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। कन्फर्मेशन इसमें कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम कन्फर्मेशन कैसे करें, कहाँ पर चेक करें। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना था, आपको वहाँ पर एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरह से एक बेरिश कैंडल बनी थी, ये वाली आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको बोलते रेड वाली बेरिश कैंडल बनी थी। आपको क्या करना था, 2080 रुपये का आपको एसएल रखना था यहाँ पर, ये ना इसके ऊपर का आपको एसएल रखना था। आपको 1:2 आराम से टारगेट मिल जाता। ये देखो स्टॉक किस तरह से नीचे आया। आपको यहाँ कहीं जब ये कैंडल बन गई थी, उसके बाद यहाँ पे आपको बाय करना था, सेल करना था, सॉरी यहाँ पे सेल करना था। उसके बाद आपको 1:2 आराम से टारगेट मिल जाता। उसके बाद 17 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पर एक बेरिश पिन बार बनी है, जिसको बोलते हैं हम पिन बार कैंडल। ये वाली यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पिन बार बनी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आप ये देख सकते हो, आपको इसके ऊपर का एसएल रखना था, यानी 2050 रुपये का आपका एसएल होता, आपको 1:2 टारगेट आराम से मिल जाता है। देखो स्टॉक कैसे किस तरह से नीचे आया है। उसके बाद इसमें 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तारीख को फिर हमें कन्फर्मेशन ढूंढने की, यहाँ पे हमको फिर से एक बेरिश कैंडल मिली है, ये वाली, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिके रहोगे, नहीं तो आप यहाँ पे लॉस पे लॉस करते रहोगे। आपको 1:2 आराम से यहाँ पर टारगेट मिल जाता। उसके बाद 19 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, यानी बुलिश कैंडल तो है नहीं, इसको बोलते फर्जी कैंडल, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी ग्रीन टाइप की। लेकिन ये स्टॉक ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया है। रेजिस्टेंस लेवल को किस तरह से फॉलो किया है, यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला इसने ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया, जब हमने यहाँ पर 18 तारीख को सेल किया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया इसने। यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है, ये वाली रेड वाली, ठीक है। उस तरह आपका एसएल फिर कितना होता है, 18 तारीख, 19 तारीख को आपका 2030 रुपये आपका एसएल होता है। उसके बाद आपको 1:2 आराम से टारगेट मिल जाता है यहाँ तक का, इसको बोलते कन्फर्मेशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, सर हमें कन्फर्मेशन कैसे करनी है। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता, जो इसका ये वाला है, ये वाला आप इंट्राडे अगर इसमें करते हो, तो ये वाले लेवल को अगर ब्रेकआउट करता 2080 के ऊपर, अगर यहाँ पर इस टाइप की कोई ग्रीन कैंडल बनती इसके ऊपर, ये वाली ग्रीन कैंडल बनती, तो आपका एसएल कितना होता, आपको 2080 रुपये आपका एसएल होता, आपको 1:2 टारगेट आराम से मिल जाता, ठीक है, अगर इसके ऊपर बनती तो। देखते अभी स्टॉक ये वाले वीक किस तरह से परफॉर्म करता है।